शहर विधायक संजय शर्मा ने ऑक्सीजन को लेकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय का एक बार फिर औचक निरीक्षण किया। विधायक संजय शर्मा ने अलवर न्यूज को बताया कि पीएम केयर फंड के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। शहर के सामान्य चिकित्सालय में वर्ष 20 में ऑक्सीजन प्लांट लगना था, जो अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। अलवर शहर में कोविड महामारी का प्रकोप फैलने लगा, तब डॉक्टर हर्षवर्धन को अवगत कराया गया। उन्होंने 30 अप्रैल तक टीम भेजने के लिए कहा। टीम आई और ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू किया। सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट कार्य पूर्ण होते ही सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। केयर फंड के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने राजस्थान के 17 जिलों में पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन जनरेट प्लांट सभी जिला मुख्यालयों पर सामान्य जो बड़े अस्पताल हैं उसमें दिया था। हमारे अलवर शहर में भी जो सामान्य चिकित्सालय है उसमें 2020 में ऑक्सीजन जनरेट प्लांट आया था, लेकिन अभी तक वो कार्य में काम शुरू नहीं कर पाया था। उसको लेकर के जब ये कोविड की महामारी तेज गति से फैली और ऑक्सीजन की मांग बहुत तेज गति से हम सबके सामने आई, उसको लेकर के मैंने अपने आग्रह किया और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदि ने भूपेंद्र यादव जी को आग्रह किया कि जल्द से जल्द टीम भेजें। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात करके और मुझे जो जानकारी दी, 25 तक इस टीम को आना था। अब मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 30 तारीख को ये तरुण मिश्रा जी जो इस कंपनी के इंजीनियर हैं वो हमारे अलवर में आ गए हैं और आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का विधिवत कार्य इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ये इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा होकर के हमें और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे अपने अस्पताल में ही मिलने लग जाएगी।